गोरखपुर के टॉप 10 माफिया की लिस्ट में शामिल राकेश यादव के मकान पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि राकेश यादव गोरखपुर पुलिस के टॉप 10 के माफिया की लिस्ट में शामिल है, जिसके ऊपर हत्या, रंगदारी मांगने, जमीन कब्जा सहित कुल 52 मुकदमे दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले माफिया राकेश यादव ने गोरखपुर न्यायालय में सरेंडर किया था, जो कि अभी जिला जेल गोरखपुर में बंद है और सजा काट रहा है। जिसके ऊपर बांसगांव के बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान की हत्या का आरोप लगा था। जिला प्रशासन के द्वारा गुलरिया थाना क्षेत्र के झुंगिया के लगभग 4.5 करोड़ के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं इस संबंध में जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने कहा कि मकान का नक्शा नहीं पास है और यह मकान अवैध निर्माण हुआ था, जिस पर बुलडोजर चला है, जो कि गोरखपुर पुलिस के माफिया की लिस्ट में शामिल है। इस अवसर पर एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के मुख्य अभियंता कृष्ण सिंह ने कहा, बिना प्राधिकरण से मानती स्वीकृत करावे अवैध निर्माण किया गया है, तो इसके लिए प्राधिकरण ने 29 मई 2021 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था, तो जिसका क्रियान्वयन आज हम लोग कर रहे हैं। ये भूखंड का क्षेत्रफल लगभग 7,000 स्क्वायर फीट है और इस पर जो कुल कवर्ड एरिया होगा 4,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया है। हाँ, ये जिले की और प्रदेश के माफिया की सूची में सूचीबद्ध हैं और हम लोगों ने अभी 17 जून को, अभी 3 दिन पहले हमने एक और भी कार्रवाई करी है विनोद उपाध्याय, जो वो भी गैंगस्टर एक्ट में माफिया के रूप में सूची। ये जीडीए द्वारा अनधिकृत निर्माण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है, लगाई गई है। जीडीए ने पुलिस बल की मांग की थी, अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पे जीडीए द्वारा ही की जा रही हैं। काफ़ी मुकदमे भी दर्ज बताए जा रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर 52 मुकदमे दर्ज हैं। ये माफिया के अंतर्गत टॉप 10 के अंतर्गत भी चिन्हित है।